हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने चावल लिए हैं, तो आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। वैसे बासमती चावल की बहुत अच्छी बनती है बिरयानी और काफ़ी खुशबू भी अच्छी आती है। तो बस इनको भिगो के रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए मुश्किल से इसको भिगो के रख लो। और उसके बाद में अच्छे से वॉश करके और फिर स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। और मैंने सोयाबीन लिया है, इनको सोयाबीन को भी मैंने पानी में भिगो के रख लिए हैं ताकि अच्छे से फूल जाए। और जब ये फूल जाएंगी तब इनको निकाल लेंगे। और ये मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया है, चावलों को मैंने इक्वल पानी रखा है। जितने चावल मतलब थोड़ा मेरे को पसा के बनाने हैं तो उस हिसाब से मैंने पानी रखा है। इसमें मैंने सारे जो खड़े मसाले थे वो डाल लिए हैं। लौंग मैंने इसमें लौंग डाली, तेज़पत्ता, चकरी और मोटी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ा सा रिफाइंड ये डाल लिया है मैंने इसके अंदर। और इसमें नमक डाल दिया है और हल्का सा नींबू का रस डाल दिया है। तो ये मैंने ऐसे इसको पानी उबाल लिया है। बस हम इसको ढक देते हैं और उसके बाद जब तक ये पानी में उबाल आता है उसके बाद हम इसमें चावल डालते हैं। और चावल को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा बस थोड़ा सा दबे इतने ही रखना है। उसके बाद हमें निकाल लेना है, पसा लेना है, क्योंकि ज़्यादा उसको ज़्यादा बना वो भरता सा बन जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि खिले खिले चावल हमारे इसमें बिरयानी में अच्छे लगते हैं, तो वैसे ही बनाएंगे। और उसके बाद में हमारी जो सोयाबीन है वो भी हो चुकी थी, उसको निचोड़ के हमने अलग से रख लिया था ताकि मैरिनेट करने वाले हम सारे इसको सोयाबीन को। और उसके बाद में हम इसमें जो वेजिटेबल्स हैं हमने जो इसमें डाली हैं वो सब कट करके रख लेंगे। जो शिमला मिर्च हो गया, गाजर हो गया, आप कुछ भी डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं और गाजर डाल सकते हैं। मैंने तो गाजर नहीं डाला इसमें और मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली थी। तो बस इस तरह से इनको डाल लेंगे अलग से। और इसमें अलग से हम इसमें दही भी डालेंगे और बाकी जो मसाले हैं हम इसी के अंदर मिला देंगे। तो पहले हम चावलों में इसमें नींबू का जो रस है वो डाल लेंगे ताकि हमारे चावल को खिले खिले बने, एकदम से अलग बिल्कुल अलग अलग एक एक चावल हमारा हो जाए। और ये देखो हम सोयाबीन में इसमें दही डाल लेते हैं, इससे बहुत अच्छा इसमें कलर वगैरह और काफ़ी अच्छा हमारा बन जाता है इसको सब डालने से। और इसमें डालेंगे हम इसमें देखो शिमला मिर्च डाल दिए, हल्दी डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे, कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। और मैं सोची थी धनिया पत्ती भी इसमें डाल दी पर वो नहीं मिल पाई थी। फिर बाद में मैंने इसमें आप इसमें पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास हो तो धनिया पत्ती भी डाल लीजिए और पुदीना भी डाल लीजिए, सूखा जो पुदीना आता है हरे वाला वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। और थोड़ा चाट मसाला और बिरयानी मसाला ये सब इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में और इसमें नमक डाल लेना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको डालना है, क्योंकि जो भी हमारे मसाले मिलेंगे इसी में मिलेंगे, बाकी के मसाले हम उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि जो इसमें मिलेगा वो ही मिलना है मसाला जो मिलता है हमारा। तो अपने जितना आपको चाहिए उस हिसाब से इसमें मसाला डाल लीजिए। और हमने इसमें इसका लहसुन और अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाया है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, वो भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और हल्की सी काली मिर्च भी डाल देंगे और चाट मसाला डाल लेंगे। तो ऐसे करके इसको मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से इसको मिला के इसको रख देंगे। और इसमें आप हरी मिर्च भी काट के डाल देना, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बाद में डाली थी, क्योंकि मैं सोची थी मिल जाएंगी, वो चीज़ें नहीं मिल पाई थी तो मैंने फिर उसको बाद में ऐड किया था। और इसमें बीन्स भी डाल देना आप काट के, बीन्स मैंने लास्ट में डाली थी क्योंकि भी जब तक आई नहीं थी, तो इसलिए जो चीज़ मैंने बाद में डाली इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। मैंने बाद में ये चीज़ें और ऐड करी थी, बीन्स डाली थी लास्ट में, धनिया डाला था पिसा हुआ क्योंकि हरा धनिया नहीं मिल पाया था इस चक्कर में, और ये पुदीना ये भी डाल दिया था देखो इसके साथ ही। और बस इसको मिला के हम इसको एक साइड में रख देंगे ताकि बहुत अच्छा इसमें कलर आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो भी कोई कलर हो, फूड कलर, ग्रीन, रेड, येलो या फिर जो भी हो, केसर वाला जो कलर, केसर वो जो होता है केसर, उसका कलर कुछ भी है आप वो बना के रख लेना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसमें, ताकि उसमें कलर हमें चाहिए होंगे तो हम उसमें कलर भी ऐड करने हैं। तो ये एक साइड में हमारा प्रिपरेशन करके हम इसको एक साइड में रख देंगे और उसके बाद हमने वो कलर बना के रख लेंगे। और बिरयानी मसाले को एक बिरयानी मसाला लेके और उसके बाद में उसमें घी डाल के, देसी घी, और उसको अलग से मिला के वो भी रख लेंगे। और इसमें मैंने लास्ट में कसूरी मेथी डाली है सोयाबीन में, तो ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो बस इसको एक साइड कर देंगे और चावल हमारे हो गए हैं। और बस देखो बस इतने ही चावल करना है और इसको हम पसा के रख लेंगे। और जो पानी पसा हुआ है इसको हम सारा फेंकेंगे नहीं, इसमें हम आधा थोड़ा पानी उठा के एक साइड में रख लेंगे, क्योंकि जब हम बिरयानी बनाएंगे ना तो उसमें ऐड करने में हमें ये पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे करके ये भी मैंने उठा के रख लिया था इसका पानी। और बस हम इसके बाद में जो है इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमने ऑयल डालेंगे तो हमें जो पहले प्याज जो इसके लंबी पतली पतली हमने जो प्याज इसके लेसेस किए हैं उनको अच्छे से तलना है, इनको भूनना है हमें। तो काफ़ी सारी हम प्याज
डालेंगे कि उसमें प्याज की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इधर चावल हो चुके थे तो उधर मैं प्याज भुनने लगी थी, और प्याज में टाइम लगता है भुनने में, तो आप हल्का सा नमक डाल सकते हैं तो उससे जल्दी भुन जाती है। और उसको जब तक भुनेंगे जब तक ये पूरा थोड़ा सा कलर ना आ जाए ब्राउन वाला, जब तक हम इसको ना क्रश करके जो होता है इस टाइप से हमें प्याज को भूनना है जब तक, और निकाल के इसको रख लेना है। और उसके बाद में पनीर के पीसेस लेके और उनके इसलिए स्लाइस कट करके वो भी हमको तलना है, तल के हमें उसको भी निकालना है। और देखो मैं बीन्स इसमें ऐड अब कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे ऐड किया था बीन्स को बाद में, बीन्स भी धनिया भी और हरी मिर्च भी बाद में ऐड किए थे। तो बस इसमें और कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं मिलाया था, वो मैंने आपको पहले बता दिया था इसी वजह से। तो बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये बहुत पहले बनाई थी, मेरे को आज मौका पड़ा इस रेसिपी को डालने का, ये समर में बनाई थी मैंने और तब से मैंने आज मिली है। मैं चलो डाल देती हूँ, ये डल ही नहीं पाई जब से आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं कर पाई, और बड़ी मेहनत करी थी इस बिरयानी में, क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम तो बहुत लगता है, काफ़ी टाइम लग गया था कभी कुछ करने में। और इसमें सोयाबीन में मैं लास्ट में टमाटर भी ऐड किए थे, काटे थे टमाटर भी इसी में डाल दिए थे मैंने काट के। तो ये भी मैंने आपको फिर बता रही थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने बाद में ऐड करी ना, तो मैं भी खुद भूल चुकी थी, काफ़ी पहले की वीडियो थी ये, तो मैं भूल चुकी थी मैंने क्या क्या और ऐड किया था। तो देख के मुझे याद आ गया कि मैंने इसमें टमाटर भी ऐड किए थे। तो बस इसमें ला के रख दिया और प्याज भून चुकी थी, प्याज को अलग से निकाल के रख लेंगे। और पनीर भी हम अपना तल के अच्छे से इसी तेल में, और पनीर भी तल के अलग से रख लेंगे। और इसी तेल को हम जो बिरयानी छोकेंगे ना, तो अलग भोंगने में मैंने बनाई थी, तो इसी तेल को हम उसमें यूज़ करेंगे, तो वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी तेल को, हम इस तेल में ही सारी चीज़ें हम इसको बिरयानी को तैयार करेंगे। तो बस ये आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन तो मैं कर चुकी हूँ, बिरयानी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बनने में, वो बन जाएगी। और बस मैंने ये एक काम किया था कि मिलाया नहीं था सारा एक साथ को, आप जब भी बिरयानी बना लेना तो आप उसको पूरे अच्छे से मिला लीजिए, तो वो पूरा मसाला जो होगा पूरे अच्छे से मिल जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो बस, और बस इस तरह से मैंने ये पनीर भी तल लिया, और पनीर बहुत टेस्टी मतलब ये जो तला हुआ पनीर होता है ना बहुत टेस्टी हो जाता है एकदम से तलने के बाद में, तो बच्चों को बहुत पसंद आ रहा था, बच्चे ऐसे ही खाने लग गए थे। तो बस ये मैंने तल लिया था, और उसके बाद आगे देखिए आप। छोकने के लिए तो जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची और तेज़पत्ता, ये अलग से खड़े मसाले हैं जो मुझे शुरू में हमें छोकना है बिरयानी को। और बस ये मैंने अलग निकाल के रख लिए थे, और तेल गरम हो चुका था, वो पलट के तेल मैंने इसी में भगोने में डाल लिया था। और तेज जब तेल हो चुका था गरम, उसके बाद मैंने डाल दिए थे जो मैंने ये खड़े मसाले बताए आपको, ये सब इसके अंदर डाल दिए थे, और साथ में थोड़ी सी प्याज जो मैंने भुनी हुई थी ना वो इसमें थोड़ी सी डाल दी थी साथ के साथ ही। जो मैंने सोयाबीन का बना के रखा हुआ है ये सारे इसके साथ ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। और जो सोयाबीन जो मैंने बिरयानी मसाला मंगाया हुआ है उसको मैंने घी में करके उसको अलग से करके रख लिया है, वो बाद में डालेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और इसको हम अच्छे से जब ये भुन जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें जो चावल की लेयर्स है ना वो डालेंगे, तो एक साथ चावल सारा एक साथ नहीं डालेंगे, इसमें हम लेयर्स बनाएंगे इसकी। तो मैंने जो दो तीन कलर के कलर जो फूड कलर लिए हैं उनको थोड़ा थोड़ा डाल के उसको पानी डाल के उसको कलर बना लिए हैं। देखो ये रेड कलर था मेरे पास, येलो कलर था और ग्रीन कलर था, तीनों कलर मैंने बना के रख लिए हैं ताकि इसमें लेयर के साथ साथ हम ये डालें। तो ऐसे करके हमने ये तैयारी कर ली थी,
और मैंने रायता बनाया था, खीरे का रायता बनाया था, साथ ही मैंने इसकी भी प्रिपरेशन करी है क्योंकि बिरयानी रुकी तो खाई नहीं जाएगी तो रायता ज़रूर चाहिए, तो मैंने इसका खीरे का रायता बना लिया था। तो इसके साथ मैं खीरे का रायता फिर कभी किस दिन शेयर करूँगी, अभी नॉर्मली मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या बनाया था। तो ऐसे करके ये थोड़ा सा पक गया था और उसके बाद में मैंने इसमें चावल ऐड किए थे, थोड़ा ढक दिया से ताकि थोड़ा सा पक जाए, और उसके बाद चावल इसमें मैंने ऐड किए थे। तो बस इसी में मैं देख रही थी कि कैसा कलर आया, देखो कितना अच्छा कलर आया है, बहुत मतलब देखने में लाजवाब लग रही थी, तो खाने में भी ऐसी लगी थी बहुत अच्छी, क्योंकि मसाले तो तेज़ हो ही जाते हैं खैर बिरयानी के। तो देखो मैं चावल डाल रही हूँ इसमें, तो एक लेयर मैंने इसकी बना ली थी और उसके बाद में जो चावल जो भुना हुआ था इसकी स्लाइसिस वाले, तो उनको एक लेयर वो डाली थी और थोड़े पुदीने के पत्ते डाले थे, और जो थोड़ा पानी मैंने चावलों का बचा के रखा था ना वो भी मैंने इसमें ऐड किया था। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जितनी बार लेयर बनाएंगे उतनी बार हम पानी भी इतनी बार ही डालेंगे, तो ऐसे करके इसमें उस पानी को हम डालते हैं। और बस उसके बाद में ये चावल की बना ली, और जो कलर आप कोई सा भी ले सकते हो पहले, कोई सा भी आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हो। तो ऐसे करके मैंने कलर्स भी एक एक लेयर में एक एक कलर डाला था, ऐसे करके लेयर बनाई थी, तीन लेयर्स बनी थी। तो पहले ये लेयर बनाई, फिर ये सब चीज़ें डाली, इसमें पुदीना डाला, और फिर उसके बाद में दूसरी लेयर बनी, फिर उसमें भी ये प्याज डाले, दूसरा कलर डाला, उसका चावलों का पानी डाला, ऐसे करके हम ये लेयर बना लेते हैं। और बस थोड़ा सा इसमें हम जो पानी है और वो भी डाल देंगे, देखो मैंने पानी वो ही डाला है इसमें। और उसके बाद में जो लास्ट वाली लेयर होती है उसमें भी लास्ट वाले में मैंने पनीर डाला था। तो और तीनों कलर ऐसे डाल के ऐसे लेयर्स बना लेंगे, और उसको फिर अच्छे से बिल्कुल टाइट उसमें हम किसी बर्तन में करके ना इसको ढक के रख देंगे ताकि हवा क्रॉस ना हो, और हमें हिट भी चाहिए चावलों के लिए भगोने पे, तो हम तवा रख देंगे, तवे को नीचे रख के और सिम गैस पे, और भगोना उसके ऊपर रख देंगे। और कोई भारी बर्तन, कोई जैसे हम बिरयानी बनाते हैं ना उस पर पूरा आटे से पूरा लेप कर देते हैं भगोने को ताकि हवा क्रॉस ना हो, तो वो तो मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने एक प्लेट ढक दी और उसके बाद भारी बर्तन रख दिए, उसने एक डब्बे में पानी भर दिया, और ऐसे करके भारी बर्तन कुछ चाहिए हमें तो वो ढक दिए इसके ऊपर भारी की तरह, और हवा क्रॉस ना हो, और सिम गैस कर दी, कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे करके रखा ताकि वो पानी है हमारा सोख जाए। हम देख सकते हैं साइड में चावल करके, आपको चेक करना हो तो जो पानी सोख जाएगा तब हमें गैस बंद कर देनी है, अगर चावल जब तक पानी नहीं सोखेगा जब तक गैस बंद नहीं करेंगे। देखो लास्ट में पानी जो बचा था मैंने सारा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, ऐसे किया था। और हैंड टू हैंड आपने जो पुदीने के पत्ते ना ये भी साथ ही साथ ही ऐड करते रहना, तो बहुत ही मतलब अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मतलब खुशबू भी अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ऐसे करके मैंने ये बिरयानी बनाई थी, और आप लोग बताना कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आप लोग प्लीज़ बताइए कि मैं रेसिपी किस वीडियोज़ डालूँ या फिर व्लॉग्स डालूँ, आपको क्या पसंद है, तो मैं वही डालूँगी जो मेरे आपको लोगों को ज़्यादा पसंद होगी, क्योंकि मैं देखती हूँ व्लॉग्स वगैरह आप ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हो, तो फिर अगर नहीं पसंद कर रहे हो तो फिर मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ रेसिपीज़ की वीडियोज़ डालूंगी। तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना, अपनी फ्रेंड फैमिलीज में भी आप लोग शेयर कर सकते हो, अगर थोड़ी बहुत भी यूज़फुल वीडियो लगी होगी आपको तो ज़रूर इसको शेयर करना। और बस उसके बाद में हम लोगों ने ये बना लिया, बिरयानी इतनी मस्त लगी देखने में, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी लगी थी, और खीरे का रायता साथ में और बिरयानी खाई थी, सब ने बहुत अच्छा सब बता रहे थे। और उसके बाद मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी, तो कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी आप लोग आगे देखना, इसमें बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से बनाई है, तो आप लोग आगे देखना जब बताती हूँ।
देखिए ये है बिरयानी तैयार हमारी, तो बताना कैसी लगी। और ये देखो मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी बना ली थी, तो मैं सोचा आपके साथ पहले शेयर कर देती, आपका भी मन कर जाएगा बनाने के लिए। और ये देखो मैंने इस तरह से बनाई थी, आप जितना भी आप चीनी ले सकते हैं उसके मतलब वैसे चीनी कम ही डलती है कॉफ़ी में, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीनी डाल दीजिए और कॉफ़ी डाल लीजिए। क्योंकि पहले तो मैं चम्मच से फेंटती थी ना, तो वो तो हवा वाली बनाती हूँ जो गर्म वाली बनती है, लेकिन जो ये बनाई मैंने कोल्ड कॉफ़ी ये से बनाई तो उसमें भी काफ़ी अच्छी बनी थी और झाग भी अच्छे बन गए थे, तो ये भी सही बनी थी। तो जितना आप एक चम्मच चीनी लेना और आधा एक कप के हिसाब से आधा से भी की कम चम्मच आप उसको कोल्ड कॉफ़ी ले मतलब कॉफ़ी लेना, तो ऐसे करके ब्लेंड कर लेना। और बस जितने हिसाब से इसी तरह से दो बनानी हो, तीन बनानी हो, चार बनानी हो, आप ऐसे करके बना सकते हो। तो मेरे को सिर्फ चार बनानी थी तो मैंने चार बनाई थी और काफ़ी अच्छे झाग बन गए थे। और काफ़ी मतलब ये ऊपर को छिलक रहा था, मैंने हाथ रख लिया था इसी वजह से, ये देखो झाग कितने अच्छे बने। उसके ऊपर जो कॉफ़ी का पाउडर होता है ऊपर से वो भी डाल दिया था और बाद में पीने में बहुत मज़ा आ गया था। ये मतलब समर में बनाई थी मैंने पूरा रेसिपी, उस दिन एक दिन का ये वाला मैंने रेसिपी रखा था तो ये बनाया था। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई तो अब कर रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं। और चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। और आपको शादी की वीडियोस कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कर लिख के ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे फ्रेंड्स में फैमिलीज में सबको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मेरे भी मोटिवेट हो, ताकि मैं और वीडियोज़ डालूँ। मैं थोड़ा लेजी हो रही हूँ चीज़ों में, तो इसलिए मैं और डालूँ, मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मैं भी और वीडियोज़ डालूँगी। तो चलिए बाय, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और ठंड बहुत हो रही है, बच के रहना थोड़ा।